प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में भाजपा के 50 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बात की। पीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कर्नाटक में घर घर जाकर प्रदेश की भाजपा सरकार के कामों की जानकारी दें। पीएम ने कहा कि अगर कार्यकर्ता लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे तो लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी 28 अप्रैल को मैदान में उतरेंगे। 7 मई तक लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। पीएम ने कहा कि भाजपा और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना और युवाओं के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।